हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। आज मैं रैंक करने वाला हूँ अपने फेवरेट टॉप 10 एनिमे को, जो कि हिंदी डब में भी तुम्हें मिल जाएंगे। 8 एनिमे क्रंची रोल पर मिलेंगे, बाकी के 2 जहाँ मिलेंगे वो मैं स्क्रीन पर लिख दूंगा जब हम उन एनिमे की बात करेंगे। नंबर 10, स्पाई फैमिली। बेस्ट लिस्ट के ग्रेटेस्ट स्पाई लॉयड की लाइफ में अभी तक ऐसा कोई मिशन नहीं था जिसमें उसे प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन इस बार वो बहुत गलत फंसा है। उसे अभी तक का सबसे मुश्किल मिशन दिया गया है। इस मिशन को अंजाम देने के लिए उसे एक वाइफ और बेटी चाहिए होगी, जिससे वो दुनिया के बीच में एक फैमिली का सहारा लेके आराम से छुपा रह सके। सभी चीजों से अनजान लॉयड जिस बच्ची को अडॉप्ट करता है वो एक टेलीपैथ है, लोगों के मन की बात जान लेती है वो, और जिस लड़की से शादी करता है वो एक खूनी है। लेकिन कमाल की बात ये है, ये तीनों ही एक दूसरे की असली आइडेंटिटी से अनजान है, सिवाय इस बच्ची को छोड़कर, जिसे पता है उसका बाप जासूस है और उसकी माँ खूनी। तो ये कमाल का एनिमे है। अगर तुम्हें एक्शन कॉमेडी देखनी है कुछ क्यूट मूवमेंट्स के साथ, तो फिर ये इस लिस्ट का सबसे बेस्ट एनिमे है। नंबर 9, रीलाइफ। रीलाइफ एक प्रोग्राम है जो लोगों को फिर से उनकी हाई स्कूल लाइफ जीने का मौका देता है। इसी प्रोग्राम में अराटा को सेकंड टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में चुना गया है। अब वो फिर से हाई स्कूल जा पाएगा, लेकिन हाँ, उन्हें टाइम में पीछे नहीं भेजा जाता, बस उनके फिजिकल अपीयरेंस को एक हाई स्कूलर जैसा बना दिया जाएगा। अब तुम सोचो, एक आदमी जो खुद से आधी उम्र के बच्चों के साथ पूरा दिन रह रहा है, उसको क्या क्या फेस करना पड़ रहा होगा। सिचुएशन गंभीर जब हो जाती है जब उसे एक हाई स्कूल की लड़की से प्यार हो जाता है, और रीलाइफ सिर्फ एक साल का प्रोग्राम है, तो एक साल बाद जब उसका रीलाइफ पूरा हो जाएगा तो वो उन लोगों को और वो लोगों से भूल जाएंगे जिनसे वो इस टाइम पीरियड के दौरान मिला होगा। इस एनिमे के अंदर तुमको कॉमेडी से लेके इमोशनल ड्रामा सब कुछ देखने मिलेगा। इसके बारे में सबसे अच्छी बात है इसकी हिंदी डबिंग। मैंने ये पूरा एनिमे हिंदी में देखा था और मेरा कमाल का एक्सपीरियंस रहा था। नंबर 8, डार्लिंग इन द फ्रैंक्स। 02 जिसका ब्रेन वॉश होने पर बताया जाता है, अगर वो धरती पर मौजूद सारे क्लेक्सोसोरस को मार देगी तो फिर वो फिर से उस लड़के से मिल पाएगी जो उसे एक शैतान की तरह नहीं एक इंसान की तरह ट्रीट करता था, क्योंकि 02 इंसान नहीं है और क्लेक्सोसोरस वो है जिनकी वजह से सारी धरती बंजर हो चुकी है। इंसानों को बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर रखा जाता है जहां वो आर्टिफिशियल चीजों की हेल्प से जिंदा रहते हैं। इन्हीं क्लेक्सोसोरस से लड़ने के लिए फ्रैंक्स का इन्वेंशन किया जाता है, जिनको चलाने के लिए बच्चों की एक टीम तैयार की जाती है, और एक लड़का और लड़की जो कि रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, सिर्फ वही इन फ्रैंक्स को ऑपरेट कर सकती हैं। ये भी देख लो भाई, ये कौन सा तरीका है ड्राइव करने का। तो अब 02 फिर से उस लड़के से मिल पाएगी या नहीं, उसके लिए तुमको ये एनिमे देखना होगा। अगर तुम्हें कोई एक्शन रोमांटिक एनिमे देखना है तो ये सबसे बेस्ट है जो कि हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7, काइजू। नंबर 8, एक ऐसी दुनिया जहां मॉन्स्टर्स तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इंसानों ने खुद को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फोर्सेस तैयार की हैं, जिनमें से एक फोर्स का काम है इन मॉन्स्टर्स से लड़ना और दूसरी का काम है लड़ाई से हुई गंदगी को ठिकाने लगाना। और इसी सब के बीच में फंसा है एक आदमी जिसने अपने बचपन की दोस्त से प्रॉमिस किया था वो दोनों एक साथ डिफेंस फोर्स में रहकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, और कभी भी अगर उसके दोस्त पर कोई खतरा आएगा तो उसके सामने पहले वो खड़ा होगा। लेकिन ये आदमी जो उसके सामने रहकर उसे प्रोटेक्ट करने वाला था, वो खुद इतना काबिल नहीं है कि डिफेंस फोर्स का टेस्ट भी क्लियर कर पाए। वो हमेशा से ही फेल होता आया था, लेकिन फिर एक दिन उसके साथ कुछ गजब होता है। एक मॉन्स्टर उसके गले से उतरकर उसको आधा इंसान और आधा मॉन्स्टर बना देता है, जिसके बाद वो डिसाइड करता है ये जो जिंदगी ने उसे एक नया चांस दिया है अपना प्रॉमिस पूरा करने का, इसे वो जाने नहीं देगा। तो ये एनिमे इसी साल रिलीज हुआ है, और अगर तुम सोनेन एनिमे के फैन हो तो ये मस्ट वॉच है। नंबर 6, चेनसो मैन। फनी से लेकर ब्रूटल, हॉरिफिक, सीरियस, कूल, मिस्टीरियस एंड बैडएस कैरेक्टर तक चेनसो मैन में तुम्हें ये सब कुछ देखने मिलेगा। ये एनिमे उनके लिए आज तक की बेस्ट चॉइस हो सकता है जिन्हें कमाल के एक्शन सीक्वेंसेस एंड इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स चाहिए। इसके प्लॉट की बात करें तो वो काइजू नंबर 8 के जैसा ही है। एक डीमन और इंसान दोनों एक होकर कुछ कमाल की चीज बन गए हैं, लेकिन काइजू नंबर 8 के कंपैरिजन में यहाँ तुम्हें ज्यादा खून खराबा, बेटर एंड सीरियस स्टोरी लाइन देखने मिलेगी। और हाँ भाई, अभी देखो, इसको देखे हुए 2 साल निकल चुके हैं और काइजू नंबर 8 अभी अभी देखा है, तो ये मेमोरी में थोड़ा पीछे जा चुका है, सही से कुछ ध्यान नहीं आ रहा। बट तुम इतना समझ लो, ओवरऑल ये उससे काफी बढ़िया चीज है। नंबर 5 पर आता है 2024 का मोस्ट पॉपुलर एनिमे सोलो लेवलिंग। इसकी स्टोरी की बात करें तो दुनिया में कई जगह मैजिकल गेट्स अपीयर हो रहे हैं, जिनमें से मॉन्स्टर अपनी ग्रैंड एंट्री मारते हुए इंसानों को मार रहे हैं, और इन मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए कुछ टीम्स तैयार की जा रही हैं, जिन्हें एनिमे के अंदर हंटर्स नाम दिया गया है। इन्हीं हंटर्स में शामिल है कहानी का मेन हीरो, जिसके पास सबसे कम स्ट्रेंथ एंड पावर है, लेकिन फिर भी उसे इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए जाना पड़ता है क्योंकि उसे पैसे चाहिए। उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे हॉस्पिटल के बिल भरने हैं। अब देखो, अगर इससे ज्यादा मैंने तुम्हें इस एनिमे के बारे में बताने की कोशिश की तो इसका पूरा प्लॉट ही रिवील हो जाएगा, इसलिए इसे बस इतना ही रखते हैं। नंबर 4 पर आता है मोस्ट अंडर
R-rated हिंदी डब्ड एनिमे समर टाइम रेंडरिंग। पेरेंट्स की डेथ हो जाने के बाद सिनपे मियो एंड ओसियो की फैमिली के साथ रहता था, लेकिन कुछ साल पहले वो अपनी हायर एजुकेशन के लिए टोक्यो चला गया था। लेकिन अब उसे वापस अपने होम आइलैंड हिटोगासिमा लौटना पड़ रहा है, क्योंकि उसे ओसियो का फ्यूनरल अटेंड करना है। ओसियो की एक एक्सीडेंट के चलते डेथ हो गई है। कम से कम आइलैंड के सभी लोगों को तो यही लग रहा था, लेकिन एक दो लोगों का मानना ये भी है ओसियो का मर्डर हुआ है। और जब सिनपे आइलैंड पर वापस लौट रहा था तो ओसियो मरने के बाद उसके सपने में आई थी और वो कह रही थी प्लीज मेरी बहन मियो को बचा लो सिनपे। तो मुझे पता है इतना सुनने के बाद तुम्हारा दिमाग घूम गया होगा, और घूमना भी चाहिए क्योंकि ये है ही उस तरीके का एनिमे जिसे तुमने एक बार देखना चालू किया तो भाई ब्रेक का तो सवाल ही नहीं उठता, तुम इसे एक बार में कंप्लीट करोगे। इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगा सिनपे कैसे मियो को बचाने और ओसियो की डेथ की वजह जानने के चक्कर में हिटोगासिमा आइलैंड की डार्क साइड में धंसता चला जा रहा है। तो अगर तुम्हें हॉरर एंड मिस्ट्रीज से भरा एनिमे देखना है तो तुम इसके साथ जा सकते हो, और मैं गारंटी ले सकता हूँ तुम जितना इस एनिमे से एक्सपेक्ट करोगे ये तुम्हें उससे ज्यादा ही डिलीवर करेगा। ये तुम्हें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने मिल जाएगा। नंबर 3, कोड गियास। तो ये एनिमे दुनिया के मोस्ट व्यूड एनिमे में से एक है, तो अगर तुम्हें कुछ कमाल का देखना है तो इसे ट्राई करो। इसके प्लॉट की बात करें तो एम्पायर ऑफ ब्रिटेनिया ने रोबोट वेपन्स का यूज करके जापान पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद उन्होंने जापान को नाम दिया है एरिया 11 और यहाँ रहने वाले लोगों को कहा गया 11। जब ये अटैक हुआ तब एक ब्रिटेनियन लेलू उस टाइम जापान में रह रहा था, उसने अपने जापानीज दोस्त से प्रॉमिस किया वो इसका बदला ब्रिटेनिया से लेकर रहेगा, फिर उसे इसके लिए पूरे ब्रिटेनिया को जड़ से क्यों ना उखाड़ना पड़ जाए। तो भाई इस एनिमे के अंदर और भी बहुत कुछ है, आगे जाके कैसे लेलू को अलग दुनिया के पावर्स मिलेंगे और वो उनके साथ क्या करेगा, एक वर्ड में बताऊं तो ये एनिमे मास्टरपीस है। अगर तुमने ये देखा नहीं है तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करो। टॉप 2 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ स्पेशल मेंशंस जो कि इस लिस्ट में होने लायक थे बट सिर्फ 10 एनिमे ले सकते थे तो वो इंक्लूड नहीं हो पाए। ये हैं वो एनिमे माई ड्रेस अप डार्लिंग, माई लव स्टोरी विद यामाडाकुन, विंड ब्रेकर, एंजल नेक्स्ट डोर, स्पॉइल्स मी रॉटन, मोर देन अ मैरिड कपल बट नॉट लवर्स एंड फ्री रन। इनके अलावा अगर कोई अच्छा एनिमे मुझसे मिस हुआ है तो कॉमेंट में बता देना, गलती मुझसे भी हो सकती है। देखो भाई अब टॉप 2 पर जो एनिमे है उनका प्लॉट क्या है ये बताने से अच्छा है मैं तुम्हें ये बताऊं कि मैंने क्यों इनमें से ये वाला पहले पर रखा है और ये वाला सेकंड पर, क्योंकि प्लॉट तो इनका सबको ही पता होगा और शायद देखे भी होंगे। तो मेरे लिए सेकंड पर आता है जुजुत्सु काइसन एंड फर्स्ट पर आता है डीमन स्लेयर। अब ऐसा क्यों तो सुनो, देखो मैंने इन दोनों ही एनिमे का सीजन 1 तब देखा था जब उसके सारे एपिसोड्स अवेलेबल हो चुके थे। मैं एक बार में पूरा सीजन खत्म करने बैठा था, तो जब मैं जुजुत्सु काइसन देख रहा था तो उसके सीजन 1 के टाइम पर कई बार ऐसा हुआ कि मैंने उसके एपिसोड को 20 से बंद कर दिया, क्योंकि वो जो हर एक्शन करने से पहले उसके बारे में बताते हैं और फिर वो 2-3 मिनट तक चलता ही रहता है, उसने मुझे कई बार एपिसोड को बंद करने पर मजबूर कर दिया। बट डीमन स्लेयर भाई मैंने 2 बार में देखकर खत्म किया था, और उसका म्यूगन ट्रेन एंड एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क तो भाई मैंने एक जगह पर बैठकर खत्म कर दिया था। दोनों ही एनिमे मैंने 4K LED पर देखे थे 5.1 साउंड सेटअप के साथ, और डीमन स्लेयर का कुछ बवाल ही एक्सपीरियंस रहा था। तो मेरे लिए डीमन स्लेयर नंबर 1 पर आता है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर तुम्हारा कौन सा फेवरेट है। इसी के साथ जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब।